अभी खुलासा किया गया है जो बच्चे की हत्या हुई थी, किस तरीके से कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और कौन लोग उसमें शामिल थे। थाना फरीदपुर में गांव नगरिया विक्रम में परसों रात एक 5 साल के बच्चे का हत्या की सूचना पुलिस की मिली थी। पुलिस मौके पर जाकर घटनास्थल निरीक्षण किया। घटनास्थल निरीक्षण करने के समय हम लोग का गोली लगने वाला थोड़ा संदिग्ध मामला लगा। उसके बाद जो बच्चे के पिता ने उनके विरोध के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया 302 में गोपाल यादव और उनके भाई लोग के खिलाफ, उनका भाई लोग के परिवार के ऊपर उन्हें मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने गोपाल यादव और किसके ऊपर उन्हें शक किया था तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया और घर पर सो रहा था। फिर पुलिस का घटना इस पर संदिग्ध लगाया। उसके बाद हमारा SP आर्य साहब और इंस्पेक्टर फरीदपुर दोनों बहुत मेहनत किया है और बाद में इंट्रोडक्शन में पता चला है वो घटना टोटली बच्चे के पिता है, नाम है वो कन्हैया यादव और उनका चाचा है नरेश पाल यादव, ये दोनों एक साजिश बनाया है। वो दोनों परिवार के बीच में जो पुराना उन्हें नामजद FIR दर्ज किया था गोपाल यादव और इन दोनों के बीच में पहले से एक मुकदमा चल रहा था 302 का, ये नरेश यादव और कन्हैया यादव के ऊपर 302 और उनका भाई तीन लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा था। ऑलरेडी उन्होंने 2 साल जेल काट के बाहर आया था अभी जल्दी से और उस पर भी एक भाई अभी भी जेल में। उन लोगों ने क्रॉस FIR दर्ज करा के 307 का वो स्वयं अपना ऊपर एक गोली का चारा लगा के उसका विरोधी के ऊपर 307 लगाने के लिए प्लान किया था। फिर भी इतफाक अचानक उनका वो योजना फेल हो गया। उन्होंने अपना तमंचा से अपना पैर पे जंग पे मास्क खींच के गोली लगाने के समय गोली मिस हो के ऊपर चारपाई में बच्चे सो रहा था उस पर सिर पे लग गया था, उसमें वो गोली लगने से बच्चे का मृत्यु हो गया। वो 315 को तमंचा उन्होंने यूज़ किया था उन्होंने कन्हैया यादव ने और बाद में पूछताछ में उन्होंने 715 को उसको पुलिस ने रिकवरी कराया। उसके साथ साथ 2 जिंदा कार्टून भी पुलिस ने रिकवरी किया। ये पूरी प्लानिंग जेल के अंदर बनी थी, किस तरह से हाँ उन लोगों से पूछताछ में उन्होंने बताया ये घटना तीनों भाई लोग ने दो दिन पहले उन्होंने जेल में एक भाई बंद था उनसे जाके बातचीत किया। उन्होंने ये से बताया था पहले उन्होंने 376 का प्लान किया था, 376 का उन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा फर्जी लगवाएंगे उसी में काम हो जाएगा। फिर इनका लड़की ने 376 का सहमत नहीं था इसलिए ये 307 वाला मामला उन्होंने योजना बनाया। ये तीनों भाई ने मिलकर उन्होंने ये योजना बनाई इस घटना का अंजाम किया और इस घटना का जो टीम खुलासा किया उसके लिए मैंने 15,000 के इनाम भी रिवार्ड दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, उसका अभी नाम वगैरह क्लियर नहीं हो, उसके नंबर के माध्यम से उनके SMS मिली है, उसका पुलिस जांच करे, उसके बाद हम लोग जांच में पता चले किस तरह की उसके खिलाफ मुकदमे आगे कार्रवाई करेंगे। जो ये बेटी है सर के नाम की इससे पहले भी कई इनाम घोषित कर चुका है और हम इसका हम जाँच करके आगे तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। ठीक आपके आने से पहले से मेहनत कर रहे हैं अच्छे अफसर जिला रहा है 4